आज हम इस वीडियो में तापक्रम से संबंधित बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। ताप मापने के जो चार पैमाने हैं, सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना, इन पैमानों से प्राप्त जो ताप है उनके बीच में एक संबंध होता है। जैसे आप देख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। यह संबंध चारों तापमापियों से लिए गए ताप के बीच में ये संबंध है। अब ये जो संबंध हम देख रहे हैं, इससे हमें ये भी ज्ञात हो जाता है कि जो सेंटीग्रेड पैमाना है वो बराबर बराबर 100 भागों में विभाजित है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी इस संबंध को ध्यान रखने से मिल जाती है। फ़ारेनहाइट पैमाना है वो बराबर बराबर 180 भागों में बटा हुआ है। र्यूमर पैमाना है जो 80 भागों में बटा हुआ है। केल्विन पैमाना 100 भागों में बटा हुआ है। अब इस संबंध के हर को यदि हम 20 से भाग देते तो इस संबंध की स्थिति निम्नानुसार होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, 20 से भाग देंगे अपॉन में 9 आ जाएगा हर को, यहाँ 20 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 20 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में गणना करते समय हम इस संबंध का उपयोग करते हैं, कारण कि संख्याएं हर में छोटी हो गई हैं तो गणना करने में एक सुविधा होती है। अब हम आगे बात ये करना चाहते हैं कि कुछ जगह पर, जैसे ट्रेड कैलकुलेशन में कहें, छोटी क्लासों में कई बार लड़का साइंस में पढ़ता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बदलना है, र्यूमर को केल्विन में बदलना है। तो जैसे यदि हम कहें कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये जो संबंध हमारे पास है उसमें से हम ये हिस्सा उपयोग कर लेंगे, ये हमारे लिए एक सूत्र का काम कर जाएगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये जो संबंध ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन के ऊपर, हम उसमें उपयोग कर लेंगे। सेल्सियस के स्थान पर 100 रख देंगे क्योंकि वो मान हमें दिया है। फ़ारेनहाइट हमें मालूम नहीं है, पता करना है फ़ारेनहाइट में, अपॉन 9। अब ये कैंसिल हो रहा है, हम काट सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 9 का 20 के तरफ 180, और इसी कंडीशन में 32 का ट्रांसफर पक्षांतर। तो हम देख रहे हैं कि 212 डिग्री आ गया फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से हम किसी भी उसमें बदल सकते हैं। मुख्य रूप से हम इस संबंध को ध्यान रखें, ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये नॉलेज की दृष्टिकोण से कि एक संबंध हम ध्यान रखते हैं तो आपस में हम बदल सकते हैं, और फिर हमारा गणना करने का ढंग यदि आसान है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक मिनट में या 50 सेकंड में हम इसको बना भी सकते हैं, संबंध बिल्कुल क्लियर है यदि आपको। तो इस संबंध को आप क्लियर रखिए, तो इस टाइप के कोई भी प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन की एग्जाम में आते हैं, साइंस में देखने मिल जाते हैं, कुछ कक्षाओं में सिलेबस में ये नज़र आता है, आईटीआई में भी, आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी ये थोड़ा सा देखने में आता है। तो लड़का यदि इसको व्यवस्थित समझ ले, ध्यान बनाए, तो थोड़ा आसान ही होगा। तो इतना ही इस में हम बताना चाह रहे थे।